चलो ठीक है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम पे 2 दिन लगाते हैं अपन, आज का दिन और कल का दिन लगाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, हालांकि मैंने सारे स्लाइड्स तो आप लोगों के बना लिए हैं, बट वही है, टाइम जाएगा इसमें बहुत ज्यादा, तो बेटर है कि 2 दिन इसको देते अपन। ठीक है, तो ठीक है, देखना एक बार ये ना आयनिक इक्विलिब्रियम, किसी ने अगर मेरे से फैब में पढ़ा था तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। आप क्लास मर्जी, आप ज्वाइन करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वरना लीव भी कर सकते हो। बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने कराया था, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा करवा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको दोबारा रिवाइज करना है तो मैं सिर्फ 1.5 आवर ही क्लास दूंगी, आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखना है, एक बार जल्दी से देख लो इसको। ठीक है, एलन को लोग में चेंज करने के लिए 2.303 लोग base 10 होता है। ठीक है, लोग एक्स वाई, लोग एम एन, एम प्लस एन होता है, लोग एम बाई एन, लोग एम माइनस लोग एन होता है। एंड अगर लोग एक्स की पावर वाई, किसी की भी नंबर की पावर हो जाती है, तो पावर आप आगे लेके आ जाते हो। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज है लोग की। ठीक है, उसके अलावा मैंने तुम लोगों को बोला था कि log 2 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए 0.3, log 3 की वैल्यू 0.5 से याद रख सकते हो, एंड log 5 की वैल्यू 0.7 आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा एक log 11 की भी सारे वैल्यूज जो है वो ध्यान रखोगे, 11 1.04, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होती है पीएच वाले फॉर्मूलेज में। ठीक है, पीएच वाले जो फॉर्मूला आप करते हो ना, उसमें log 11 बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। इनका कैसे करोगे, log 8 को तो आप कर सकते हो log 2 का क्यूब करके, 3 log 2 हो जाएगा। ऐसे ही आप log 9 को लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर। तो ये कुछ नंबर हैं जिसको आप इजिली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर log 9 की वैल्यू नहीं देगा तुम लोगों को पेपर में, या log 6 की वैल्यू नहीं देगा, log 5 की नहीं देगा। तो ये कुछ कुछ वैल्यूज है जो मैंने क्लास के टाइम भी आप लोगों को बताई थी, वो ध्यान रखना। बच्चों अगर ज्वाइन नहीं हो रहा था तो आप लोगों को मुझे बोलना चाहिए था ना, आप लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ज्वाइन नहीं हो रहा, क्लास गई, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ कशिश बोलो। मैम बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को अभी, एक मिनट रुको। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो देखना एक बार, एक्वा सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या रहा इसका आंसर बताओ। ए मैम ए मैम ए ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली आपको पूछा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमोनिया नहीं होगा, फ्रक्टोज भी नहीं होगा, और जो आयंस में बेसिकली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स, ए ध्यान से मैम पढ़ो, बी, कुछ भी मत बोलो। मैम बी, मैम डी।
भगवान, सी भी वो ना। बच्चे हाथ। मैम बी हाँ है। सी बोल दो। देखो एसिटिक एसिड है ना, तो एसिटिक एसिड को जब तुम पानी में डालोगे वीकली डिसोसिएट होगा। अब तो बोलोगे CH3CO- एच प्लस, ठीक है, तो H2H+ के साथ कंबाइन होके H3O+ बना लेगा, ठीक है। और ये तो बहुत कम ही डिसोसिएट होगा, मैक्सिमम तो यही मिलेगा आपको सोल्यूशन में। तो आपके पास एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट होगा, आपके पास एसिटेट आयन भी प्रेजेंट होगा, और क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में है तो H+ और H2O के साथ कंबाइन होके H3O+ बन जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। सात्विक, राधिका, आरिफ, हिमांशी, शिवानी, प्रांशु, ओके, कोमल। कोमल आप बताओ। डी। मैम डी अगर किसी को लग रहा है कि ये क्वेश्चन करे हुए, क्योंकि याद करो मैंने फैब में भी ली थी क्लासेस, अगर लग रहा है कि वही, क्योंकि वही क्वेश्चंस है, तो आप अपना कुछ और कर सकते हैं, है ना। मतलब मैं बार बार सेम चीज को पढ़ने से बेटर है कुछ और रिवाइज कर लो, बट अगर आपको रिवाइज करना है तो 1.5 घंटा बैठ के रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पूछा है H2O और HF के बारे में ना, इनका कंजुकेट बेस बताना, यानी कि ये एसिड है, ठीक है। अब उसने मेंशन भी कर दिया ब्रोंसिड एसिड, तो इसका कंजुकेट बेस क्या होगा। एसिड का कंजुकेट बेस क्या होता है, एसिड का क्या काम होता है, H+ देना अकॉर्डिंग टू ब्रोंसिड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर ये H+ देगा तो ये OH- बनाएगा, और ये क्या बनाएगा नेगेटिव, अपने। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना बच्चे, जो आपका ब्रोंसिड कौन सा कॉन्सेप्ट है, ब्रोंसिड लोरी कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बस बेस बनेगा एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही आप लोगों का वीक एसिड का सेम वो बनेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कंजुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा। तो ये दो बातें ध्यान रखना, और इनका वाइस वर्सा कर देना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंसिड लोरी कॉन्सेप्ट, एसिड की डेफिनेशन होती है जो H+ डोनेट करता है, एंड बेस की डेफिनेशन होती है जो H+ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत आते जाते रहते हैं, सिंपल, क्योंकि चार क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से। तो इसका फिलहाल के लिए जो मैं आंसर लगा रही हूँ वो है OH- एंड F- रिस्पेक्टिवली। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन जो है कैन नॉट एक्ट बोथ एज ब्रोंसिड एसिड एंड ब्रोंसिड बेस, जो दोनों की तरह नहीं बिहेव कर सकता, ये बताना आपको। राधिका बताओ। मैम इसका तो सी होगा। पक्का? बताओ, नहीं यस हो रहा। मैम सी होगा। देखो अगर मैं NH3 की बात करूं तो ये एक्सेप्ट भी कर सकता है और दे भी सकता है। इसकी मैं बात करूं, ये भी एक्सेप्ट भी कर सकता है और दे भी सकता है। इसकी बात करूं, एक्सेप्ट भी कर सकता है और दे भी सकता है, लेकिन ये दे तो देगा, एक्सेप्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो जो HCl है वो दोनों की तरह, मतलब आपको बताना है जो दोनों की तरह नहीं कर सकता। मतलब अगर मान लो कोई एक भी कर रहा है, लाइक HCl है वो H+ दे रहा है, ठीक है, तो वो ब्रोंसिड एसिड वाले डेफिनेशन में फिट हो रहा है, बट ब्रोंसिड बेस की तरह बिहेव नहीं कर, ठीक है। तो ये आपको बताना था। इसमें ये वाला क्वेश्चन करो।
हाँ क्या होगा इसका आंसर? विच मैम बी। ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस? सबका आंसर बी आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, ये अपना BF3 लुईस एसिड है, CF4 ना लुईस एसिड है ना लुईस बेस है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसको जरूरत नहीं है, एंड SiF4 भी CF4 जैसा है, तो PF3 क्या होगा? लुईस बेस होगा, इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बिहेव करे। छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में आती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज ए लुईस बेस? बताओ भाई, लीस्ट लाइकली पूछा है। हाँ बोलो। मैम ए BF3। BF3। बाकी और भी तो बोलो, हैंड तो काफी बच्चों ने रेज नेगेटिव। किया हुआ है, बोलो ना। तुम नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हो। ठीक है, BF3 इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला करो। 2013 में आया था ये। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग? मैम H2SO4। यस मैम, जो ज्यादा प्लस दे दे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाँ, एसिड होगा। तो H2SO4 होगा क्या ज्यादा एसिडिक? यस मैम, बाकी और बताओ। ज्यादा ऑक्सीजन ए ऑप्शन लग ऑक्सीजन तो चार ही उसमें, ए वाले में चार ही, सी वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मैम देखो ना किसकी ज्यादा है। बताओ अब। HClO4 होगा भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें ज्यादा है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करो क्लोरीन की, यहाँ पे निकाल के देखो कितनी आ रही है। +7 आ रही है, इसकी +6 आ रही है, और इसमें कितनी आ रही है? +5 आ रही है, और इसमें भी निकाल के देखो। ठीक है, क्लोरीन ज्यादा भूखा है इस टाइम पे। ठीक है, वो ज्यादा खींचेगा। और एक बात बताओ, जो इसका वो बनेगा कंजुगेट बेस, जब तुम बनाओगे आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, तो ये ज्यादा स्टेबल बनेगा ना। देखो उस रेजोनेंस जैसा बेचारे को तो लगता है। 2H+ निकालना है, बट जाएगा ना ये, तो इसको 2H+ निकालना है, इसमें ये 1H+ निकाल के ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है एज कम्पेयर टू H2SO4। और HClO4 तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4 से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मान लो सेम क्लोरीन वाले फैमिली वाले आ जाते, लाइक HClO, HClO2, HClO3, HClO4, याद करो मैंने 17th ग्रुप में तुम लोगों को बताया था, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे कर दे। ठीक है, यस मैम, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। हाँ वो एसिडिटी, उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ये वाला करो, कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। पहले तो ये पता लगाओ हाइड्राजोइक एसिड होता क्या है। आरिफ तुम बताओ, हाइड्राजोइक एसिड? नहीं, पहले मुझे ये बताओ हाइड्राजोइक एसिड क्या होता है। बी ऑप्शन तो बाद की बात है बेटा, क्या होता है हाइड्राजोइक एसिड? गूगल कर लो, करोगे? नहीं मैम, पता HN3, है नहीं। HN3 यही होता है, बोलो। हाँ फिर तो भी मैम। आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, बता, यानी कि एसिड है तो H+ निकालेगा, तो ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? बी होगा। ये JEE में आया था वैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्राजोइक एसिड वाला हो जाएगा, ध्यान रखना हाइड्राजोइक एसिड। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, जल्दी से एक बार इनको रिवाइज करो, इनको रिवाइज करो। KA KB क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड और बेस के लिए। ठीक है, और H+ अगर आपका वीक एसिड है, तो जो आप लिखते हो ना HA को डिसोसिएट कराते हो H+ और A नेगेटिव में, आप फिर लिखते हो C00, C-C alpha, ये तो H+ की जो कंसंट्रेशन होती है C alpha, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ अगर ये दो चीजें याद है बना लोगे अपने आप। सेम फॉर वीक बेस के लिए भी होगा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इस तरीके से निकाल सकते हो। H+ वाले क्वेश्चन ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, pH का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, POH का होना चाहिए पता।
उसके बाद ये वाला फॉर्मूला मैं तो कहूंगी ध्यान में मत रखना, क्यों? क्योंकि ये इसी से डिराइव हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है माइनस लॉगरिथम ऑफ एच प्लस है, एच प्लस की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यही निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग ये याद रखिए, ये याद ना रखो तो ही बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं ध्यान रखने में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके। उसके बाद लिमिटेशन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की क्या है कि ये एप्लीकेबल नहीं होता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक बार ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, तभी क्योंकि जो हम ये के ए के बी पीके पीके बी जो ये डिफाइन करते हैं वो वीक एसिड और वीक बेस के टर्म्स में करते हैं, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा ये ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो जाता है। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम ये यही तो डिफाइन करता है कि मतलब जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो वीक एक स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करने लग जाता है। वेरी यहाँ पे कहाँ लिखा है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन? नहीं मतलब देखो ना देखो 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 सुनो 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 देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ना कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से कि अगर मैं HCl ले रही हूँ इसकी तो वही बात ही खत्म हो जाती है, इसमें कुछ निकालना मुश्किल नहीं है हमारे पास, ठीक है? लेकिन जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो उसमें हम ये बोलते हैं कि भैया ये पूरा तो नहीं होगा डिसोसिएट, हाँ जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो वो आयनाइज होने लग जाएगा, बट कितना आयनाइज हुआ मतलब कितना डिसोसिएट हुआ वो हमें देखना है ना, तो वो आप अल्फा से निकालते हो। अगर अल्फा 100% आ गया तो इट मींस वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर तो हम ये यूज ही नहीं करेंगे, मानते हो कि नहीं? अगर अल्फा तुम लोगों का 100% डिसोसिएशन हो गया फिर हम ये यूज क्यों कर रहे हैं? सी अल्फा स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू के बाय सी, ये हम उस केस में लगाएंगे जहां पे हम जानना चाहते हैं कि भैया हमारा इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है? 100% के लिए तो हम फिर लगाएंगे नहीं, वो तो फिर वीक स्ट्रॉन्ग की तरह ही बिहेव कर जाएगा, ठीक है? और तुमने नोटिस किया होगा ऐसे क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं रहे ना जहाँ पे अल्फा 100% है, फिर तो आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई चैप्टर ही नहीं होगा, है ना? चलो ठीक है, ये वाला देखो। उसके बाद है कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। पहला है तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा तो भैया अल्फा बढ़ेगा, बिकॉज डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है जी? उसके बाद इधर देखो डाइल्यूशन से और क्या होगा, तुम्हें पता है अल्फा क्या होता है, के ए बाय सी। इधर देखो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, बताओ बोलो, सोचो सोचो सारे बच्चे सोचो, ये तुम्हारी थ्योरी वाला थोड़ा सा पार्ट है जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यानी कि आपका अल्फा बढ़े डाइल्यूशन से क्या होगा, मतलब डाइल्यूशन क्या मतलब है, डाइल्यूशन बढ़ने से वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है ना, और वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है तो अल्फा भी क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है? दो पॉइंट हो गए। इसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 100% होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा लेस देन 100% होता है, ठीक है? क्या नाम है, राधिका? यस बढ़िया, ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट जिसका जितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना उसका वो सॉल्वेंट बढ़िया होगा। तो यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डाइल्यूशन पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या आप कौन सा ले रहे हो स्ट्रॉन्ग या वीक, फोर्थ वाला नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चार फैक्टर है जिसपे ऑन विच द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड्स, हो जाएगा क्या? अगर ये हो जाएगा तो मुझे प्लीज ये क्वेश्चन एक बार करके दिखाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करो बच्चों, एंड जो जहां पे भी डाउट आए जस्ट आस्क मी।
पहले से ही सोल्व किया हुआ है क्या मुस्कान? नो मैम, कल ही चैप्टर पढ़ा है। नहीं, इतनी जल्दी कैसे सोल्व कर लिया भाई तुम लोगों ने, बताओ। अनम्यूट करके कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या? मोनो बेसिक एसिड है ना, आपको ध्यान नहीं देना लैक्टिक एसिड का क्या, वैसे तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए लैक्टिक एसिड का, बट कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया मोनो बेसिक एसिड है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि इन अ 0.10 एक्वस सॉल्यूशन लैक्टिक एसिड इज 100 कितना 3.7% डिसोसिएटेड, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है 3.7/100, ठीक है, फ्रैक्शन में लोगे ना लेस देन 1 तो कितना होगा ये 0.037 होगा, कंसंट्रेशन आपको दी हुई है। और ध्यान रखना बच्चे मोनो बेसिक एसिड के लिए आपको ज्यादा मत सोचना, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा के आ जाना। तुम्हें के ए पूछा है तो के ए क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, सी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, अल्फा स्क्वायर तुम्हें इसका स्क्वायर कर देना एंड तुम्हारा फाइनली आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है, बी आ रहा है 1.4 × 10⁻⁴। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो ध्यान रखना जो आप ये ओसवल डाइल्यूशन लो लगा रहे हो ना, ये मोनो बेसिक के लिए लगा रहे हो, अगर आपने कोई डाई बेसिक या ट्राई बेसिक वाला एसिड ले लिया ना, फिर ये फॉर्मूला थोड़ी ना डिराइव होके आएगा, फिर तो कुछ और ही आएगा, ठीक है। और आपको ये भी नहीं डरना कि मैम नीचे 1-अल्फा लेना है या नहीं लेना, वो तो वैसे आप इससे पता लगा लोगे, अगर आपका लेस देन 5% आ रहा है तो आप यही यूज करोगे, और इवन नीट में तो वो नहीं देते हैं जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, तो सिंपल ये लगा के आ जाना एंड तुम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैम, वहां पे सी का वैल्यू आपने 0.10 कैसे किया? 0.10 नहीं 0.010 ठीक है, यहाँ पे भी मैंने पता नहीं क्या ही देखा मैंने जो 0.010 लिख दिया, ठीक है चलो ठीक है, मुझे लगा आपने कुछ बदला ना, पता नहीं मैंने क्या ही देख लिया भाई, मेरी आंखों को क्या हो गया है, ठीक है। ये वाला देखो, ये कॉन्सेप्ट है पहली बात तो। अब इसमें क्या है कि आपको वोटर का आयनाइजेशन कराना है, ठीक है। अगर मैं वोटर का आयनाइजेशन कराऊं तो आप, अभी मैंने जस्ट बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से आप अल्फा बढ़ाने वाले हो, ठीक है। आपको पता है के डब्ल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एच प्लस और ओ एच नेगेटिव, ये क्या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वोटर, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के डब्ल्यू भी बढ़ेगा, और अगर के डब्ल्यू बढ़ेगा तो भैया तुम्हारा एच प्लस भी कंसंट्रेशन, एच प्लस ओ एच की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, पी के डब्ल्यू कम होगा। यानी कि अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू देख रहे हो तो इतना आ रहा है, अगर 90 डिग्री पे देखोगे तो उससे ज्यादा आएगी। इट मींस टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जैसे अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंड इससे और क्या चीजें हमें मिल सकती है, देखो के डब्ल्यू समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेगा, पी के डब्ल्यू कम होगा, पीएच भी देखो टेम्परेचर बढ़ने से कम हो रहा है, एच प्लस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, पीएच प्लस पीओएच का सम भी क्या हो रहा है कम हो रहा है। क्या ये चीजें कर लोगे रिलेट आपस में इस फॉर्मूले से, बताओ। हाँ बोलो, पीकेडब्ल्यू और केडब्ल्यू में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसका कैसा मतलब क्या, क्या फिर बोलो पीकेडब्ल्यू और केडब्ल्यू में बेटा, पीकेडब्ल्यू क्या, एक मिनट रुक जा, पीके क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के होता है ना, और ऐसे पीकेडब्ल्यू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ केडब्ल्यू होता है, बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो अगर के डब्ल्यू तुम्हारा 10⁻¹⁴ है तो पी के डब्ल्यू क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है मैम समझा, ठीक है। ऐसे पी के भी माइनस लॉग ऑफ के भी हो जाएगा, एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, ठीक है बाकी करो एक बार।
जी तीन बच्चों का हुआ है क्या? बस राधिका का हो गया। और मतलब कोई, मतलब मैंने ये ऑलरेडी करा चुकी हूँ, दो सेकंड टाइम चल रहा है अपना ये चैप्टर, फिर भी तुम लोग नहीं कर रहे हो भाई। अब तुम बता दो कि कहाँ दिक्कत रह रही है। तुम लोग बोलते हो हार्ड वर्क तो करते हैं मैम, लेकिन होता नहीं है। कहाँ कर रहे हो हार्ड वर्क? तो सेम चीज को मैं दोबारा रिपीट करा रही हूँ, लेकिन वही 7-8 बच्चों के हैंड रेज है बस। क्या दीपक कह रही हूँ? हाँ दीपक बताओ मेरे को, कैसे मैम इसका डी आएगा। किया? मैम हमें KW पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 10^-14 होता है, तो 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस वाला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है आगे। और इसके बाद मैम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्या pH इज इक्वल्स टू माइनस का लॉग एच प्लस। इसमें फिर एच प्लस की वैल्यू निकालेंगे, एच प्लस की वैल्यू आएगी हाफ ऑफ कंसंट्रेशन लॉग लॉग सी और प्लस सॉरी यही है क्या? एक बार चेक करो, यस मैम। ठीक है ना? क्योंकि KW क्या होता है, H प्लस और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, बट क्योंकि न्यूट्रल है, फॉर न्यूट्रल तो हम बोलते हैं कि H प्लस OH नेगेटिव के बराबर होगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, pH क्या करना है, माइनस लोगरिथम हो 55 × 10^14। अब तुम्हें क्या करना है, पावर आगे ले आना है, अंदर करोगे 14 − log 55 कितना होता है, 1.74। इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, 6.13। चेक कर लो। सही है मैम। आपको बार ये पूरा नहीं करना, मतलब आप पहले 55 लिख रहे हो फिर −14 log 10, नहीं, डायरेक्ट याद रखो कि ये ऐसे वाले क्वेश्चन में इस तरीके से सोल्व होके आ जाता है एकदम। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना बढ़िया होगा, ठीक है? एंड दिस इज द करेक्ट अप्रोच। हो जाएगा क्या? देखो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप दो, फिर चलती हूँ मैं आगे। ये मेरे को याद है, मैंने जब क्लास में कराया था तो निगम से पूछा था ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। रिसेंट ईयर में, रिसेंट ईयर के क्वेश्चन इसलिए नहीं है यहाँ से क्योंकि वो बफर से और साल्ट हाइड्रोलिसिस से और तुम्हारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन आए हुए रिसेंट ईयर्स में, तो इसलिए बहुत पुराने पुराने दिख रहे हैं तुम्हें क्वेश्चंस। सात्विक हो गया है क्या? सात्विक यस मैम। बता बेटा, मैम इसका मेरे हिसाब से ए ऑप्शन आनी चाहिए। बताना कैसे किया। मैम सबसे पहले हमारे पास एक एच ए, हमने उसको डिसोसिएट कर लिया एच ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव में। फिर उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन लिखी C00, फिर फाइनल कंसंट्रेशन लिख ली C − C α, C and C α C α। फिर हमें पता है K होते हैं हमारे पास C α², वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये किया। आपको निकालना क्या, परसेंटेज निकालना है। तो के तुम लोगों को 10 कितना दिया हुआ, 10^-5, यस और ये कितना दिया हुआ है तुम्हें, ओके आपको कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.100 mol/L, तो कितना हो गया 10^-1। मैम अरे एक सेकंड, एक मैम सेकंड, वन नहीं होगा। एक मिनट रुको। हाँ 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो कितना आ जाएगा, 10^-4, यानी कि 10^-2। अब इसका 100 जरूर कर देना, तुम्हारा आ अंडर जाएगा, 1% आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। ओके ये तुम्हारे टेस्ट में भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन। ये क्या है, बीच में पेज कैसे रह गया भाई? चलो छोड़ो, उसके बाद बात करूंगी मैं पीएच के सवाल की। अब पीएच के क्वेश्चन की बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे देख लो। पहला ये कहता है, इधर देखो, अगर
तुम्हें स्ट्रोंग एसिड दे रखा हो, तुम्हें सबसे पहले चेक करनी है उसमें कंसंट्रेशन। देखो अगर वीक एसिड है तो फिर तुम उससे जाओगे ओस्मोल डाइल्यूशन लो से, बट अगर तुम्हारा स्ट्रोंग एसिड है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ एच प्लस। फिर उसमें दूसरी चीज आती है, पहले ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा स्ट्रोंग एसिड है, दूसरी चीज तुम्हें ये देखनी है कि कंसंट्रेशन क्या दे रखी है। अगर तो तुम्हारी कंसंट्रेशन 10^-6 से ज्यादा है, लाइक 10^-2 है, -3 है, -4 है, -5 है, तो जो एच प्लस आइंस की जो कंसंट्रेशन है, जो एच प्लस आइंस वाटर से मिल रहे हैं तुम्हें, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और इस फॉर्मूले में डायरेक्ट एसिड की कंसंट्रेशन पुट कर सकते हो। यानी जैसे कि इस केस में पीएच 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 5 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारी कंसंट्रेशन 10^-6 या उससे कम है और 10^-8 से ज्यादा, या अगर मैं सिंपल बोलूं, अगर ये कंसंट्रेशन दी है तुम्हें, तो इस वाले केस में जो वाटर से एच प्लस आयंस आ रहे हैं उसको तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसमें तुम्हें वाटर के जो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो भी तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी 10^-7। अगर मान लो कंसंट्रेशन 10^-8 से कम है, जैसे 10^-9 या -10, तो इस केस में तुम क्या करोगे, जो भी H+ आयन वाटर से आ रहा है सिर्फ वही कंसिडर करोगे, क्योंकि इस वाले केस का मतलब है कि आपका जो एसिड है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, मतलब एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम है वाटर के कंपैरिजन में, मतलब वाटर ज्यादा है उसमें, कहने का मतलब है। तो एसिड की कंसंट्रेशन कम है इसलिए हम जो भी H+ आयन तुम्हारे पानी से आ रहा है वही कंसिडर करते हैं। अब पेपर में कौन सा आता है, पेपर में सेकेंड वाले से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी आ सकता है बट चांसेस कम है, बट सेकंड वाले से जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस मैम। पक्का? अच्छा क्लियर है तो फिर एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा। हाँ क्या आ रहा है? मैम सी ऑप्शन। सी आ रहा है, बाकी एक बार बाकी चेक करो। देखो 10^-8 है ना, अगर तुम डायरेक्ट इसका मान लो अगर पीएच निकाल के देखोगे तो 8 आएगा, ठीक है, तो वो तो करेक्ट होगा नहीं, यानी कि इसमें हमें वोटर से जो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ रही है वो भी काउंट करना है। तो यानी कि अपना जो टोटल एच प्लस की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 10^-8 प्लस 10^-7। अब क्या करोगे, 10^-7 ले लो या ये ले लो, ये ले लो 10^, जो छोटी वाली वैल्यू है ना उसको कॉमन ले लो, तो यही आ जाएगा 1+10। देखो एक बार नजर मारो, अब क्या होगा, ये 11 × 10^-8 आएगा, इसको आप सोल्व कर लेना, 1.1 × 10^-7 आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया तुम्हारी इस क्वेश्चन की बात। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले तुमसे पीएच, तो पीएच भी तुम निकाल लोगे माइनस लॉगरिथम ऑफ एच प्लस करके। कैसे निकालोगे, माइनस लॉगरिथम ऑफ 11 × 10^-8 क्या हो जाएगा, इसमें 8 − log 11 हो जाएगा। करके देखो इसको सोल्व, यार है 8 − log 11, एंड लॉग 11 की वैल्यू मैंने बोला याद करना, सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व कर देना, 6.9 समथिंग आ जाएगा। कर लोगे? ओके अच्छा, उसके बाद अब बात आती है मिक्सचर की। अब तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिया, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी चलेगा, ठीक है, उसमें बस तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, फिर पीओएच निकालना पड़ेगा, फिर पीएच प्लस पीओएच 14 करके पीएच की वैल्यू निकालनी होगी बेस के केस में, ठीक है। अच्छा जी,
अगर मैं बात करूं स्ट्रोंग एसिड के मिक्सचर की, अगर मान लो तुम्हें दो स्ट्रोंग एसिड, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहे हो, दो स्ट्रोंग एसिड का मिक्सचर दे रखा हो, तो उस केस में H प्लस के पीएच कैसे निकालोगे? तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे उस केस में एम वन वी वन एन फैक्टर, एन फैक्टर मैंने ऑलरेडी सिखा दिया आपको कैसे निकालते हैं, प्लस एम टू वी टू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, ठीक है, पीएच आप निकाल लोगे। अगर दो स्ट्रोंग बेस दिए हुए हैं तो उसमें भी सेम फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन वहां पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, वहां पे ओ एच नेगेटिव। राधिका बेटा वीडियो देखनी पड़ेगी तेरे को बेटा, क्योंकि बहुत मतलब काफी एक घंटे का है, अगर एक घंटे को भी मैं थोड़ा कम करूँ तो आधा घंटा मेरे को लग जाएगा एन फैक्टर निकलवाने में, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वो अपने आप में। ओके, हम क्लास के बाद देखेंगे। हाँ ठीक है, हाँ क्या बोल रही थी मैं, ओ एच नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आ गई, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, पीओएच निकाल के 14 में से जब माइनस करोगे तो पीएच आ जाएगा। अगर मान लो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, तो अब यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस क्यों लगाया है, क्योंकि हो सकता है ओएच नेगेटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, सकता है एच प्लस की पॉजिटिव आना चाहिए बेसिकली। तो एम वन वी वन एन फैक्टर माइनस एम टू वी टू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, ये किसके लिए बताया मैंने, जब वो मिक्सचर की बात करेगा, वो मिक्सचर में स्ट्रोंग एसिड होने चाहिए या तो, या दो स्ट्रोंग बेस होने चाहिए, या एक स्ट्रोंग एसिड या एक स्ट्रोंग बेस होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूले जो है लगा सकते हो उसमें। लास्ट वाली कंडीशन दोबारा बताना। देखो अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, क्या नाम है राधिका, उससे और क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हो पीएच ऑफ मिक्सचर का, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास वीक एसिड दे दे, तो वीक एसिड का मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, उसके लिए तुम्हें पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, एच प्लस की कंसंट्रेशन होगी सी अल्फा, सी की वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू पुट करो, पीएच वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन करो, कितने है? एक दो तीन चार पांच छह सात, सात क्वेश्चन है पीएच पे, हो जाओ शुरू, ये क्वेश्चन नंबर वन है। ट्राई करो सॉल्व करने का सारे बच्चे। अनिशा आ गई, नीलम आ गई क्या, नीलम, नीलम नहीं आई, करो बच्चों ट्राई करो। दीपक दीपक नहीं हुआ क्या बेटा, दीपक कोमल मैम शुरू के तीन तो नहीं आ रहे हैं, तो डी होगा, शुरू के तीन नहीं आ रहे हैं। यस मैम, बताओ भाई शुरू के तीन में से किसी का आ रहा है क्या कुछ? डी आ रहा है, पीएच वन तो जब ये होती है ना, जब क्या कहते हैं लोग टेन। हाँ सी आ रहा है। अच्छा ऑप्शन, अच्छा मेरे को ऑप्शन बता रहे हो या ऊपर में से देख के बता रहे, इसमें से बताओ ए बी सी डी कौन से ऑप्शन में है? हाँ क्या कर रहे हो मैम? नीचे से बताऊं तो मेरा डी आ रहा है। अच्छा देखो भाई एनएएच और एचसीएल लिए, प्रांशु तुम्हारा क्या आ रहा है? लगा रहा है। इधर देखो, अगर मैं सी वाले ऑप्शन को देखूं, मतलब ऑप्शन मतलब ये वाला, तो इधर देखना एक बार कैसे करोगे 75 क्या होता है, मैं एक काम करती हूँ फॉर्मूला लिखती हूँ पहले, तो तुम्हारे लिए क्या होता था अपने पास M1 V1
एन फैक्टर माइनस एम टू वी टू एन फैक्टर, यही होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के उसमें केस में। अब जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी अब उसको पहले लिख लेना। सेवन जैसे एम वन क्या है, वन बाय फाइव है, वॉल्यूम कितना है 75 और एचसीएल का एन फैक्टर वन हो जाएगा, माइनस 25 वॉल्यूम हो गया, 1/5 मोलारिटी हो गई एंड एन फैक्टर वन हो जाएगा। वी वन प्लस वी टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बस इसको सोल्व कर लो, एक इस पे गया इस पे इतना हो गया, ये 5 5 पे गया और ये इस पे गया, 15 माइनस 5 यहाँ पे 10/100 हो गया और 10/100 होगा तुम्हारा 0.1। तो यानी कि H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या आ गई, H प्लस की आएगी ना, क्योंकि H प्लस के मोल्स ज्यादा है बेटा, NaOH के तो खत्म हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन है तो H प्लस की आ गई 0.1 यानी कि 10^-1। और जब पीएच निकालोगे तो कितनी आएगी, वो 1 के बराबर आएगी। बाकी भी निकाल के देखो, अब निकाल के देखो नहीं आ रहा होगा, निकाल के देखो इसमें 16 × 1/10 करो, इसमें 14 × 1/10 करो, डिवाइडेड बाय 100 करो तो 6 − 4 = 2/100, ये देखो नहीं आएगा इसमें भी। बाकी भी करो, इसमें करो, हो जाएगा अभी सोल्व कैसे आया पीएच इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला याद है तो कर दोगे बेटा। चलो कोई नहीं, और क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ऊपर वाला, ऊपर वाला करो। अभी तो 7 क्वेश्चन करने अपने को, एक हो गया, सेकंड वाला करो। हुआ सो मत जाना बस क्लास में आज। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं, कैलकुलेशन में गलती कर दी। कैलकुलेशन कर भी क्यों रहे हो इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे ही आ जाएगा ये तो। सी है गैस का, सी कैसे आएगा 1.04। पहले तो ना एक काम करो, वो अलग आएगा। हाँ जी बोलो। तो मैम डी आएगा फिर तो, क्योंकि मैं मैंने पीएच निकाल दिया गलती से, एच प्लस देख के हुआ चाहेंगे ना इसमें कंसंट्रेशन तो। हाँ इधर देखो, तुम वैसे भी सोल्व कर सकते हो, मैं तुम्हें दूसरी तरीके से भी सोल्व करा रही हूँ। इधर देखो, यहाँ पे देखो 0.1 मोलर NaOH है, 0.01 मोलर HCl है। अब 0.01 मोल्स, अगर मैं 1 लीटर की बात कर रही हूँ, 0.01 मोल 0.01 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या बचेगा, हाइड्रोक्साइड आयन की बेस की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, और अगर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 7। तो ना तो आंसर तुम्हारा ए हो सकता है, ना ही सी, ना बी, आंसर तुम्हारा होगा डी। इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो सकता था। अगर तुम दूसरे वाले मेथड से जाओगे तो फिर वैसे करो, M1V1 n फैक्टर माइनस M2V2 n फैक्टर। कैसे करोगे, M1V1 वॉल्यूम सेम है मतलब दोनों का, तो मैं V मान लेती हूँ, इंटू 1 माइनस 0.01 इंटू V इंटू 1 और ये आ जाएगा 2V। V ऊपर से कॉमन ले लेना, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी, फिर तुम्हें POH निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद 14 में से माइनस करके pH निकल के आ जाएगा, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। सोल्व करके देखना आ रहा है क्या आंसर, ठीक है, बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट विल हैव, क्या बोल रहा है, विल गिव हाइएस्ट पीएच इन वॉटर, वॉटर में
किस सोल्ट की पीएच सबसे ज्यादा होगी? हाँ जी प्रियांशु ने कर लिया एनरेस, ठीक है, और दीपू नहीं आ रहा मैम, चैप्टर नहीं पढ़ा ये वाला? पढ़ा मैम, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन का उम्मीद ही नहीं था बेटा, ये सारे नीट के ही तो हैं। आप लोग इसलिए बोलती हूँ नीट के प्रीवियस ईयर लगाओ, बाकी और क्वेश्चन के झंझट में मत पढ़ो, ठीक है? पहली प्रायोरिटी नीट के प्रीवियस ईयर को रखो, कम से कम 4 से 5 बार कर लो नीट के प्रीवियस ईयर, ठीक है? रट्टा नहीं मारना, लेकिन क्या आएगा इसका आंसर बताओ? आपसे पूछे हाईएस्ट पीएच, एक बार सोल्ट अपन देख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाला सोल्ट देखूं तो ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, तो ये तो इसकी पीएच तो 7 के बराबर आने वाली है। ये भी सेम है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये देखो ये क्या है, इसका जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो ये बनेगा, ये की ये वीक बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, तो इसकी पीएच लेस देन 7 आएगी। जबकि ये वाला देखो NaOH से मिलके बना है और कार्बोनिक एसिड से मिलके बना है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, तो यहाँ पे पीएच क्या होगी सबसे ज्यादा। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना जिसमें आपको सोल्ट दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ भाई इसमें से सबसे ज्यादा पीएच किसकी है, पीएच कम किसकी है, आप ये देख लेना, अगर वो सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस का है तो पीएच वो ज्यादा होने वाली है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है तो पीएच क्या होगी उसकी 7 से कम होगी। कर लोगे ऐसे वाले क्वेश्चन? यस मैम, यस मैम, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो यही वाला, मतलब जो भी मैंने पीएच वाले सवाल करवाए तुम्हें, एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। सलोनी ट्राई कर बेटा, ट्राई करो, जितना तुम बोलोगे ना उतना ही अच्छा होगा। तभी मैंने 2 दिन लिए इस वाले टॉपिक। करो सोल्व, टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अप्रोच कर पा रहे हो क्वेश्चन को? पहले तो ये बताओ तुम लोग मेरे को। यस मैम, ठीक है। आरिफ बता बेटा कैसे किया, अनम्यूट कर सकते हो तो प्लीज करो। पॉइंट 10 आ रहा है। बाकी बच्चे बेटा 2 बजे से ही स्टार्ट है, आपको लिंक नहीं मिला आपको? अच्छा ये क्लास क्लास के बाद में बताऊंगी, ये क्लास तो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी है ना, 20 मार्च से मैम डी है, ठीक है। तो इसका निकल जाएगा M1 V1 N फैक्टर, देख लेते हैं M1 कितना है अपने पास, V1 20 ml है, M1 है 0.050 into N factor 1 होता है HCl का 30 V1 M1 M2 sorry and इसका barium hydroxide का N factor हो जाएगा 2, ठीक है। अब 20 + 30 = 50 ml, इसको सॉल्व कर लेना। OH negative की concentration निकालनी है तो तुम्हारा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 0.10। कर लो कि सॉल्व, कैलकुलेशन तो ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं इसकी बिल्कुल भी, बस 0.0 को हटा देना, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना जो ये आप मिक्सचर वाले लगा रहे हो ना फॉर्मूला, वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के केस में लगा रहे हो, ठीक है। वीक वाले के केस में फिर दूसरी चीज आ जाती है। एक और क्वेश्चन कर दो चलो। अच्छा अभी 3 और है अपनी, चलो ये वाला करो क्वेश्चन।
मैम मेरा तो 10^-1 आ रहा था पिछले वाले में। ठीक तो है, 0.10 को 10^-1 लिख दो। ओके मैम सॉरी, मैं ही गलत समझ रहा। ठीक है चलो ये वाला करो। डन मैम। मैम ये तो जाते हैं, जब आता है ना बीच में सॉल्ट आते हैं आखिरी में, आखिरी वाला पार्ट मिक्सचर आता है, सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस, उसमें फॉर्मूले याद नहीं आते कौन से लगाने हैं। मैं बताऊंगी ना, सीखते जाओ बस। पीएच वाले समझ में आ गए ना तुम लोगों को, सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले बताऊंगी, बफर वाले बताऊंगी, और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो अलग से ही होता है, तो उसमें तो वो स्पेशली मेंशन करके देता है क्वेश्चन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, तो टेंशन ना लो। सोलिबिलिटी वाले भी जाते हैं मैम, ये लास्ट के 2-3 आते हैं ना, वीक एसिड वीक बेस, ऐसे दिमाग खराब आता है। वो तो ठीक है बफर में आ जाता है, बाकी जो आते हैं वो दिक्कत दे जाते हैं। कोई बात नहीं, वो इसलिए दिक्कत दे जाते हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले लगाए या बफर वाले फॉर्मूले लगाए। कोई बात नहीं, पहले ये करो। हो गया क्या ये सबका? हाँ जी हैंड रेस करो। दीपक हो गया क्या? दीपक, मैम बी ऑप्शन। अलीशा, कोमल, मुस्कान, हो गया? बी आ रहे हैं क्या? ठीक हाँ मैम भी आ रहा है। है, डी आ रहा है। अलग अलग कैसे आ रहा है तुम लोगों का? कोमल का भी डी आ रहा है, चेक करो एक बार फिर से सारे बच्चे। मैम बी आ इनका रहा है, डी आ रहा है, बी उन्होंने आ रहा है नीचे 3 नहीं मैम दिया बी। होगा। सबका डी आ रहा है। मैम मेरा तो डी आ रहा है, मैं इसमें रुको रुको, देखो बी अब आ रहा। तुम्हारा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड सॉल्यूशन जिसका पीएच जो है दिया हुआ है एच प्लस की कंसंट्रेशन। तो क्या करूंगी मैं, M1V1 एन फैक्टर लगाऊंगी। अब M1 क्या हो जाएगा, 10^-3 हो जाएगा। V1 में V ले लेती हूँ, N फैक्टर तो 1 है ही, तो मैं उसको नहीं लिख रही हूँ। ऐसे ही 10^-4 इंटू V प्लस 10^-5 इंटू V डिवाइडेड बाय 3 V। ठीक है, अच्छा तो अब मैं क्या करूँ, इसमें से V कॉमन ले लेती हूँ, V तो हटा ही देती हूँ, लिखना भी क्या, हटा देती हूँ, है ना? ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब इसमें से क्या कॉमन लू मैं, 10^-5 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10^2, बताओ, 10^1, और यहाँ पे आ यस जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये 10^-5, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 100, 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110, 111। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, एच प्लस आ गया तुम्हारा। अच्छा हाँ, बस पीएच तो निकालना ही नहीं है फिर, तो बस सोल ही करना है। कितना आ रहा, 3.7 × 10^4 ही आएगा फिर तो। देखो कहाँ पे गलती की तुम लोगों ने कैलकुलेशन में, हो जाएगा। इसे डिवाइड करना भूल गया। हाँ बड़ी अच्छी बात है, 3 से डिवाइड करना भूल गए। ठीक है, डिवाइड कर देना वही वॉल्यूम से। चलो एक ये क्वेश्चन कर दो लगे हाथ, ये जेई में आया था, मैम इसका आंसर डी है। मैंने पूछा नहीं मैम, फिर क्यों बताया, सॉल्व करो। ये करा हुआ पहले ही करा हुआ है क्या? था अब कुछ दिन पहले, कंप्लीट किया है चैप्टर, तो उसमें कराया हुआ था, अभी सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन पीवाईक्यू भी करा रखे थे। अच्छा ओके, तुमने 11th वाले नोट्स देखे थे क्या? नहीं मैम, नोट्स हम देखे थे, लेक्चर देखा था उम्मीद का। अच्छा ठीक है चलो, ठीक है सोल्व करो इसको, कैसे होगा मुझे बताओ, क्या नाम है, कौन बताएगा मुझे? हिमांशी बताएगी, अलीशा बताएगी, निगम बताएगा, कौन बताएगा? मैं होता हूँ हाँ बताओ निगम, बताओ। मैम, इसमें ना M1 B1 बराबर M2 B2 कर देंगे ना, M1 जो कंसेंट्रेशन है वो 10^-1 है और पहले ये B1। बताओ निगम, पहले ये बताओ कि इसमें मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, M1V1 = M2V2 वाला।
क्यों मैम, इसमें उसके n फैक्टर दोनों के इक्वल है और वो डाइल्यूशन कर रहे हैं ना। n फैक्टर नहीं बराबर बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है ना। जब आपके दोनों नंबर ऑफ मोल्स बराबर है दोनों साइड, समझ गए ना सारे बच्चे। अगर मान लो कि मैं, अगर मेरे पास बीकर है, इसमें मैं बोल रही हूँ कि मेरा ये 1 लीटर है, ठीक है, और जब अभी जो नंबर ऑफ मोल्स है आफ्टर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होंगे ना। तो अगर नंबर ऑफ मोल सेम नहीं होंगे, तुम्हें पता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो मैंने लगा दिया ये, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला। ये तुम उसमें भी पढ़ते हो मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वॉटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वॉटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ एच सी एल विद पीएच ऑफ 1। यानी कि अगर मैं बोलूँ इसका वॉल्यूम है 1 लीटर और इसका पीएच अगर 1 है तो मोलैरिटी हो जाएगी 10^-1, ठीक है। आपको क्या बताना है, पीएच इसका दे रखा है यानी कि मोलैरिटी दी रखी है, वॉल्यूम निकालना है। तो ये कितना आ रहा है V2, 10 लीटर आ रहा है। स्टार्टिंग में आपके पास 1 लीटर था, ये आपका टोटल वॉल्यूम होता है, ये भी ध्यान रखना। मैंने काफी बार बताया हुआ आपको, काफी बार, कि जो आप V2 निकालते हो वो टोटल वॉल्यूम है। आपको बताना है कि कितना पानी ऐड किया, तो पहले 1 लीटर था, टोटल 10 लीटर है, तो आपने 9 लीटर ऐड किया होगा उसमें, तो आंसर 9 आएगा। वैसे तो 10 ऑप्शन में भी नहीं है लकीली, बट पेपर में वो डेफिनेटली दे सकता है 10 लीटर भी ऑप्शन, ठीक है। कहीं ये मत सोच रहा मैम 10 के आसपास 9 आ रहा है तो 9 लगा के आ जाते हैं, वो तुक्का लग जाएगा अभी के लिए, बट पेपर में अगर उसने 10 दे दिया तो फंस जाओगे वहीं के वहीं, ठीक है मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम एक लाइन मैंने पढ़ी थी, एक बार मैं पूछनी है, मतलब कोई भी अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं और उसके अंदर अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर ऐड करने से उसकी H+ आयन कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा? अगर तुम एसिड में, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी डालो तो तुम तो फिर एसिड की कंसंट्रेशन कम कर रहे हो ना, क्योंकि तुम उसको डायल्यूट कर रहे हो। अभी यही वाला तो क्वेश्चन, यही तो कर रहे हैं हम, ये वाला क्वेश्चन, और इससे पहले भी जब मैं तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रही थी, सॉरी जो पीएच वाले फॉर्मूले बताए मैंने, वो इसी पे तो बेस्ड था ना। ये देखो, ये अब एक बार बताओ, अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, देखना एक बार, इसमें कंसंट्रेशन 10^-6 से कम है, यानी कि 10^-7 ले लो या 10^-6, तो उसमें पानी वाली कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब थर्ड वाला देखो, इसमें ना कंसंट्रेशन एसिड की कितनी कम हो गई, मतलब तुमने पानी जबरदस्त मिला रखा है उसके अंदर, है ना। तो जो H+ की कंसंट्रेशन आ रही है, वो सिर्फ वॉटर वाले कंसिडर करोगे। ऑब्वियस ही बात, अगर आप किसी सॉल्यूशन में पानी डाल रहे हो ज्यादा, तो मतलब आप उसको डाइल्यूट कर दे रहे हो, ठीक है। तो मैम H+ आयन की कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे जितने तुमने डाले थे एसिड के, ओके, है ना, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे। चल ये क्वेश्चन करो, हो गया ना ये वाला। हाँ हुआ, हाँ जी क्या होगा बताओ मैम? सी ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी मैम। आपसे बोला है पी जो फिर हो जाएगा, ये बिल्कुल वैसे ही करना है तुम लोगों को।
pH of the mixing obtained by mixing 100 ml of a solution of pH 10 is to power minus 3 हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन into 100 कर देना और यहाँ पे 10 is to power minus 3 निकाल लोगे H plus निकल आएगा और pH निकाल देना ठीक है हाँ और ये मतलब हाँ मैं राधिका को ही बोल रही थी राधिका जैसे मान लो तुमने कोई सपोज NaOH है ठीक है NaOH तुम्हें मैं बोल रही हूँ दो मोलर बनायो ठीक है दो मोलर प्रिपेयर कर दो ठीक है अब तुम मान लो एक टेस्ट ट्यूब में डाल रही हो सपोज कितना डाल रही हो 5 ml डाल रही हो 10 ml डाल रही हो तो वो दो मोलर से एक मोलर नहीं हो जाएगा ये ध्यान रखना ये तो नहीं पूछ रही थी तुम है क्या क्लास में राधिका गायब हो गई क्या चलो ठीक है इसका सी ऑप्शन आएगा ठीक है ओके इसके बाल्ड आता है तुम्हारे सोल्ड हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे ध्यान रखोगे ध्यान देखना तुम्हारे पास जो सोल्ट है वो कितने टाइप के तीन टाइप के सोल्ट पढ़ना है तुम्हें वीक एसिड स्ट्रोंग बेस वीक बेस स्ट्रोंग एसिड और वीक एसिड वीक बेस ठीक है अच्छा अब अगर मान लो तुम्हारे पास प्लीज ध्यान से सुनना अगर तुम्हारे पास पहला केस आता है वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस का मतलब एग्जाम्पल देख लो एसीटेट आयन है CH3COH जो कि वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलके बना है तो उसमें तुम्हें तीन फॉर्मूले ध्यान रखना है एक तो KH का फॉर्मूला ध्यान रखना है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दूसरा H ध्यान रखना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जैसे अपन अल्फा पढ़ते थे ना ऐसी H होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस pH ध्यान रखना है बस ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखना है H प्लस नहीं ध्यान रखोगे तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अच्छा उसके अलावा और क्या ध्यान रखना है कि तुम्हें हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट वाले जब तुम फॉर्मूलेज लगाओगे तो उस केस में एसिड और बेस की जो अमाउंट है जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी ठीक है मतलब जो अमाउंट है जो मोल्स है नंबर ऑफ मोल्स वो क्या रहेंगे सेम रहेंगे जब तुम निकालोगे तो ठीक है सेम अमाउंट या लिख लो सेम नंबर ऑफ मोल्स या सेम अमाउंट कैसे रहेंगे मैं अभी आगे चल के बताती ठीक है तो फॉर्मूला क्या यूज होगा इसमें KH is equal to KW by KA ध्यान रखना जो वीक होगा वो अपोन में आ जाएगा अब KW तो पता है तुम लोगों को ना क्या लोगे 10 is to power कितना लोगे 10 is to power minus 14 KA लोगे क्योंकि वीक एसिड है तो ये अपोन में आ जाएगा उसके बाद अगर मैं बात करूंगी हाइड्रो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की तो ध्यान रखना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में अंडर द रूट आता है KW by KA into C बस तुम फॉर्मूला याद कर लो कब लगाना है कब नहीं लगाना वो मैं बताऊंगी पीएच में क्या होगा पीएच में होगा हाफ ऑफ PKW प्लस लॉग C प्लस PK ध्यान रखना जब तुम्हारा स्ट्रोंग एसिड होगा ना तो ये माइनस हो जाते हैं बस एक ध्यान रखना माइनस हो जाते हैं माइनस लॉग C और माइनस आ जाता है ठीक है लेकिन जब तुम्हारा वीक एसिड स्ट्रोंग बेस है तो वीक एसिड है तो यहाँ पे PK भी वीक एसिड का ही लोगे ये तो था तुम्हारा सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस अब आता है सोल्ट ऑफ अ वीक बेस एंड स्ट्रोंग एसिड अब वीक बेस है तो अपोन में KB आएगा KH is equal to KW by KB उसके बाद अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की तो KW by KB into C C तुम्हारी कंसंट्रेशन अंडर रूट के साथ आएगा H plus को याद मत करना pH क्या आएगा half of PKW minus log C minus PKB क्योंकि जो आप वीक ले रहे हो उसी का ही आप वो ऐड करोगे PKA है तो वीक एसिड बोल रहा है वो अगर PKB है तो मतलब वीक बेस ठीक है चलो उसके बाद ये देखो सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इसमें KH क्या हो जाएगा KW by K into KB H plus याद नहीं रखना pH क्या हो जाएगा हाफ ऑफ PKW प्लस PK माइनस PKB स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती है pH 7 आता है ऑलवेज न्यूट्रल जल्दी से इन फॉर्मूले को रिवाइज करो फिर मैं बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है इसको राधिका कहाँ गायब हो गई थी तो मैम वीक एसिड वीक बेस में बैटरी लो गई अच्छा अच्छा हाँ बोलो बोलो प्रांशु वीक एसिड वीक बेस में मैम ऐसे भी होता ना कि हाफ KB माइनस मतलब PKB माइनस PKB होता कोई फॉर्मूला ये रहा नहीं मैम सिर्फ PKA और PKB के टर्म्स में अच्छा ये वाला है ना मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस
तो वैसे होगा 7 प्लस कर गया, हाफ प्लस हो गए। अच्छा 7 प्लस, तुमने वो 7 प्लस वाले याद किए हुए हैं क्या फ्रेंच फॉर्मूले? नहीं याद नहीं रखे, याद आ गया अभी। देखो मैंने ना, आप 7 प्लस वाला भी कर सकते हो, मैंने ये वाला किया हुआ, जो तुम्हें याद है वो वाला कर। ओके हाँ, जो तुम लोगों को याद है वो कर, जल्दी से रिवाइज करो। राधिका मैं ये बोल रही थी तुम्हें कि अगर मान लो तुम्हारे पास, सपोज मैं बोल रही हूँ, सुन रही हो ना? यस मैम, मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि अगर मान लो, सपोज मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम NaOH प्रिपेयर करके आ जाओ 2 मोलर, ठीक है? अब तुमने वो 2 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, राइट? अब तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो, तो मान लो तुम्हें सॉल्यूशन बना लिया 2 मोलर किसी में बना लिया, मान लो 250 ml में बना लिया, तो तुम उसमें से मान लो 10 ml ले रहे हो, ठीक है? अब 10 ml उसमें ले रहे हो, डजंट मीन कि उसका 2 मोलर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। यही पूछ रही थी क्या तुम? यस मैम। हाँ, कंसंट्रेशन आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है ना, याद है? तो अभी आपने क्या बोला आवाज नहीं? मैं बोल रही हूँ अगर तुमने मान लो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया किसी भी कंसंट्रेशन का, ठीक है? अब तुम उस सॉल्यूशन में से 5 ml निकाल रही हो, 10 ml निकाल रही हो, जितना मर्जी यूज कर रही हो, उससे उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। नहीं मैम, मैं तो उसमें ये बोल रहा था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर उसके अंदर हम वाटर डाल दे रहे हैं, तो उसकी H प्लस की आयन की कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो आपने बताया डिक्रीज होगी। हाँ, वो ठीक है। ओके, ये करो, हो गया रिवाइज? नो मैम, करो जल्दी। मैम हाँ, जब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर हम वीक बेस ले रहे हैं, तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्पेक्टेटर आयन की तरह एक्ट करेगा। मतलब क्या पूछना चाह रही हो तुम? मतलब मैम स्पेक्टेटर आयन का मींस समझना चाहता तभी तो मैं पूछ रही हूँ ना कि क्या पूछना चाह रही हो तुम, किस पे पूछना चाह रही हो, सोल्ट हाइड्रोलिसिस में पूछना चाह रही हो, किस में पूछना चाह रही हो? सोल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर ही। सोल्ट हाइड्रोलिसिस में अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या लिया, वीक बेस, हाँ, तो उस केस में जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एक स्पेक्टेटर आयन की तरह एक्ट करेगा ना, मतलब रिएक्शन पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। हाँ, स्पेक्टेटर आयन वही होता है, द आयंस व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो हाँ, इसमें देखो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रहे हो, तो इसमें आप जब फॉर्मुलाइज देख रहे हो, तो उसमें हम वीक एसिड के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं के ए, है ना, के ए लिखेंगे, तो फिर वहां पे के ए यूज हो रहा है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज होगा। यस, हो गया रिवाइज? चलो ये क्वेश्चन लगाओ सारे बच्चे। क्या हुआ बताओ, क्या फॉर्मूला लगाओगे? हाँ दीपक, मैम के डब्ल्यू बाय के के ए के बी होगा, के बी होगा, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। हाँ देखो, इधर आपको NH4OH दिया हुआ है,
इसका आपको के भी, क्योंकि वीक बेस है, आपको ऑलरेडी गिवन है 1.77 × 10⁻¹¹. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना, यानी कि वो ये पूछ रहा है. अब वीक बेस है ना, तो आपको पता है जो वीक होता है वही अपोन में आता है, तो बस तुम्हें क्या करना है, kW 10⁻¹⁴ 1.77 × 10⁻¹⁵. कितना आ रहा है? डी डी आ रहा है क्या? यस मैम. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना. सिंपल क्वेश्चन था ये वाला. क्वेश्चन करो. हुआ फॉर्मूला बताओ क्या लगाओगे. नहीं मैम पता नहीं. पता मैम पता. ओके मुझे फॉर्मूला बताओ कौन बताएगा. मानसी आप बताओ. मैम मैं बताऊं? बताओ वंशी का बताओ. 7 + 1/2 ब्रैकेट में PKA − PKB. ठीक है, मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया, मतलब मर्जी है तुम वो भी लगा सकते हो अपने वाला भी, क्योंकि मुझे ये वाला याद रहता है. ठीक है, तो मैंने ये वाला लगा दिया. हो जाएगा क्या आप सोल्व? PKW क्या पुट करोगे? 14. PKA तुम्हें ऑलरेडी दिया ही हुआ है, पीके बी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, सोल्व कर लेना. कितना आ रहा है आंसर? 6.9. रांचु हो रहे हैं वाले सोल्व क्वेश्चन? हाँ ये हो गया था. ठीक है, कंफ्यूज होगे जब बफर वाले भी आएंगे ना, तो वो दोनों बिल्कुल सेम सेम लगते हैं, तो वहां पे देखना पड़ेगा हमें, मतलब बताऊंगी कि कब कौन सा यूज कर. मैम मेरा तो 7.1 आ रहा है. नहीं चेक करो, 6.9 आएगा आंसर. अप्रोक्सीमेशन तो नहीं लिया ना कहीं पे? मैम वो 7 - 7 वाला बताया था ना. नहीं आंसर तो सेम ही आएगा. नहीं फॉर्मूला उसने 7+ बोला था. नहीं नहीं फॉर्मूला तो 7+ वाला भी ठीक है, बट आंसर 6.9 ही आएगा. आप अप्रोक्सीमेशन मत लेना. ये वाला क्वेश्चन करो. लिखो पहले तो सोडियम एसीटेट क्या होता है. Na2CO. हाँ जी Na2CO3. CO3 नहीं होता, ये होता है. अब डिसाइड करो कि किसका सोल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग. तो यानी कि पीएच का फॉर्मूला बताओ, हाफ ऑफ PKW. वीक एसिड है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग सी प्लस पीके. बताओ चेक करो यही फॉर्मूला लगेगा ना. फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर वो वैसे ही खत्म हो चुका है क्वेश्चन वहीं पे. अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, लॉग सी, सी की वैल्यू दी हुई है अपने को 0.1, तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा. माइनस यहाँ पे -1 पुट करो. पीके कितना दिया हुआ है निकालना पड़ेगा, प्लस 5. कितना आ रहा है? 9 आ रहा है. 18/2 हो जाएगा. ओके ये वाला क्वेश्चन करो. बफर एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कल कंप्लीट करेंगे, पहले ये कर दो.
जी डिसाइड किया कि कौन सा सोल्ट दिया हुआ है तुम लोगों को? यस मैम। कौन सा दिया हुआ है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत बढ़िया। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड निकालना क्या है? पीएच हाफ ऑफ पीके डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस पीके बी। 14 कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है? लॉग 2 माइनस 2 यहाँ पे पुट करूंगी तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस लॉग 2 आ जाएगा। और पीके भी कितना दिया हुआ है? के भी दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेना। 5 लॉग 2.3 होता है, करो कितना आ रहा है? मैम पीके भी तो 5 आएगा ना, माइनस 5 आना चाहिए ना वहां पे। क्यों पीके भी? अच्छा हाँ माइनस का है ना, 8.3 पीके भी आएगा, यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा। निकालो कितना आ रहा है? 5.35 देखो बच्चों आ रहा है ये, थोड़ा सा बस फॉर्मूले का ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, आ जाएगा आंसर। यस ये वाला क्वेश्चन करो। मोस्ट बेसिक इनएक्वा सॉल्यूशन, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे जो मैंने पहले बताया था तुम लोगों को। मोस्ट बेसिक कौन सा हो रहा है, कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। इतना धीरे धीरे बोल रहे हो जैसे तुम्हें लग रहा है बस गलत ना हो जाए हमारा। इधर देखो इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वो वीक बेस है, एचसीएल तुम्हारा वीक एसिड है तो इसको हटाओ। इसमें देखो एचसीएल स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयरन का जो हाइड्रोक्साइड होगा वीक बेस है, जबकि आपसे मोस्ट बेसिक पूछा है। इधर देखो लेड हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे ये वीक एसिड है, दोनों ही वीक है। इसमें देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है तो ये मोस्ट बेसिक हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, इसमें अगर तुम, हालांकि चलो अभी तो मैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक करा रही हूँ तो तुम्हें पता है वही लगेगा, लेकिन यही अगर पेपर में आ जाएगा ना कंफ्यूज हो जाओगे कि बफर वाला लगेगा या सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला। अभी मैं इस क्वेश्चन को करके बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हो कि बफर वाला लगेगा या सोल्ट वाला। पहले कर लो इसको तुम अपने एंड से। मैम जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे थे जिसमें हम M1 V1 वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, वो इसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड दिया हुआ है। वो तब लगेंगे जब या दो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या दो स्ट्रॉन्ग बेस हो या एक स्ट्रॉन्ग एसिड या एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, मतलब ज्यादा भी हो सकता है। मान लो 3 एसिड दे दिए तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस फिर M3 V3 लग जाएगा। हाँ बोलो। इस तरह क्वेश्चन असाइनमेंट में भी था, असाइनमेंट मैंने करा था ना। अच्छा ठीक है, तो पहले एक बार कर लो फिर मैं बताती हूँ ये कैसे होगा। करवाऊं? एक काम करती हूँ मैं ही करवाती हूँ ये वाला, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, मतलब बहुत ध्यान से सुनना, पूरी नजर टिका के रखना क्योंकि यहीं से आपका बफर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इधर देखो अगर मैं लिखूं कि मेरे पास वीक एसिड है, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना रिएक्शन लिख लेना क्योंकि सोल्ट तो नहीं दे रखा है ना। अब इससे सोल्ट बनेगा तुम्हारा CH3COONa एंड वॉटर, उसको मैं नहीं लिख रही हूँ। अब तुम्हें ये दिया हुआ है 100 ml ऑफ 0.2, यानी कि इसके कितने मोल्स होंगे निकाल लोगे? 20 मिली मोल होंगे। इसके कितने मोल होंगे? सेम होंगे, बताओ। मैंने तुम्हें क्या बोला था
जब एसिड और बेस की अमाउंट सेम होगी, अमाउंट भी गोली मारो उसको, अगर उसके नंबर ऑफ मोल सेम है, ठीक है, अमाउंट बोलो नंबर ऑफ मोल्स बोलो, अगर वो सेम है तो वहां पे क्या लगाओगे तुम, सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले लगाओगे। अगर यहाँ पे मान लो कंसंट्रेशन में चेंज होता, ठीक है, मान लो दोनों में चेंज होता नंबर ऑफ मोल्स में, तो फिर वहां पे बफर वाले लगते। क्यों लगते वो भी मैं बताती हूँ। तुमने पढ़ा होगा वीक एसिडिक बफर, तुमने पढ़ा है एसिडिक और बेसिक बफर पढ़ा है सबने। अब एसिडिक बफर का मतलब क्या होता है कि इसमें वीक एसिड होना चाहिए प्लस वीक एसिड का स्ट्रोंग बेस के साथ सोल्ट होना चाहिए, तब आप उसको कहोगे कि ये हमारा एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा। मानते हो ना? यानी कि तुम्हारे सॉल्यूशन में वीक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए प्लस सोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। हम इसको बफर क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मेरे पास सिर्फ सॉल्यूशन में सोल्ट बचा है, तभी मैं यहाँ पे सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगा दे रही। अगर मेरे पास एसिड बच जाता वीक एसिड, तो मेरे पास मीडियम सॉल्यूशन में वीक एसिड भी रहता, मेरे पास सॉल्यूशन में सोल्ट भी रहता, तब मैं अपना बफर वाला फॉर्मूला लगाती। क्या ये चीज क्लियर हुई? बताओ। यस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ सोल्ट बच रहा है, क्यों, पूरा खत्म कर दिया ना इसने तो, 20 मिलीमोल NaOH को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बनेगा कितना, 20 मिलीमोल ही बनेगा, बताओ। यस। तो बस कॉल कर लो इसको, बोलो। अब इसको सोल्व करो, अब देखो आपके पास क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, लगाओ पीएच का फॉर्मूला। सोल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या लगाते हो, pH is equal to half of pKw plus log C minus pKa. pKa तुम्हें already given है. Concentration क्या लोगे? Concentration क्या लोगे? बताओ, कौन बताएगा? Concentration बताओ, मोल पर लीटर, 20 मिलीमोल डिवाइडेड बाई 200 लोगे, क्योंकि आप क्या मिक्स कर रहे हो ना, तो वॉल्यूम तो आप क्या लोगे, 200 लोगे ना, तो 0.2 अपॉन में 200 करना पड़ेगा। 0.2 क्यों कर रही हो, 20/200 करो ना, तो 0.1 आ जाएगा कंसंट्रेशन। करो, कितना आ रहा है आंसर बताओ मेरे को। तो मैम अगर हम मतलब आपका जैसे आपने बताया वैसे करें, तो इसमें log 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो जरूरी थोड़ी ना जो वो देगा हम सारी चीजें उसकी कही हुई करेंगे, कोई बात नहीं आ रहा है तो वो तो कुछ भी लिखता है, तेई का क्वेश्चन है पहली बात तो ये, ठीक है। चलो मैं करके दिखाती हूँ मैम। हाँ, ये 2 मिलीमोल होगा ना, 2 क्यों होगा, 20 कहाँ से है, 2 आ रहा है, 100 × 2/10 20 नहीं हो गया मैम, 20 मोल आ रहा है, 20 मिलीमोल, 20 × 10⁻³ आएगा। मैंने इसको 20 मिलीमोल, मैंने इसको मोल में चेंज ही नहीं किया, क्योंकि मैं करने की जरूरत ही नहीं है, वो कट जाएगा वैसे ही, क्योंकि वॉल्यूम भी मिलीलीटर में है ना। यस मैम, समझे समझे। चलो आओ फॉर्मूला लगाते हैं, जल्दी से तुम बताओ मेरे को फॉर्मूला, pH का फॉर्मूला क्या होगा, pKw plus log C plus pKa, ठीक है। चलो log C कितना आ रहा है, कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर, क्योंकि मैंने मिलीमोल लिया है तो 20 मिलीमोल डिवाइडेड बाय 200 ml, मिली से ml कैंसिल आउट हो जाएगा ना, हाँ बोलो, हाँ के ना, मिलीमोल से मिली कैंसिल हो जाएगा ना, मोल पर लीटर में होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। पीके तुम्हें ऑलरेडी दिया ही हुआ है, पीके डब्ल्यू तुम लोगों को पता ही है, बस सोल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है, ये वाला करो क्वेश्चन। रांशु समझ में आया कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? हाँ मैम। ये वाला करो,
डाइल्यूशन आप सब में मिक्सिंग कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना डाइल्यूशन से अमाउंट चेंज, आपका अमाउंट चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है बस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। ओके थर्ड वाला लगाओ भाई, क्या लगाओगे? अमोनियम नाइट्रेट, बताओ भाई किसका सोल्ट है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। तो हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस पीके भी हो जाएगा। अब ध्यान रखना इसमें क्या ध्यान रखोगे, पहले आपको कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ग्राम निकालना है, कितने ग्राम आपने इसके डिसोल्व किए। करो इसको सॉल्व करो। हाँ भूलूंगी बेटा तेरा क्वेश्चन, एक बार मैं ये करा दूं बस, इसके बाद क्लास हो रही है ओवर। हाँ जी मैम, कैलकुलेशन बहुत है। मैं करूं क्या? ओ मैम हो जाएगी, बिना उसके हो जाएगी भाई, सोल्व करो इसको। इसको कैसे सोल्व करोगे, इसका डायरेक्ट ध्यान रखो 4.74 होता है, मालूम है ये तुम्हें? कहीं पता चले इसका एंटी लॉग लेने बैठ गए पेपर में, हो गया फिर तो क्वेश्चन, ठीक है? अगर तुम्हें के के बी की वैल्यू दे रखी है तो इसका ध्यान रखना 4.74 आता है, अब तो हो ही जाएगा। पीएच ऑलरेडी तुम्हें गिवन है क्या? हाँ, अब इसको सोल्व करना है। कंसंट्रेशन निकालने के बाद कर लो कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर, एक लीटर है और तुम्हारा क्या बोलते हैं मोलर मास निकाल लेना इसका।